आपको लगता है ये क्या चल रहा है? आज भी मेरा सपना अधूरा रह गया Q&A का, तो आपका सपना पूरा हो गया ब्रो। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। देखोगे तो सुबह के बज रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 10:14 और दिन है थर्सडे। वैसे देखोगे तो पूरा क्लास भरा हुआ है, बट भरा हुआ क्लास आपको दिख रहा है और हमारा लेक्चर अब तक हुआ नहीं। लेक्चर को आने वाले बोल रहे थे, 9 बजे आने वाले थे, बट आए तो कोई नहीं है, तो सोचा व्लॉगिंग ना चालू कर लो। कौन सा डिस्कशन चल रहा है भैया? हमारा बचपन का, बचपन का कांड मस्ती। आज वैसे Q&A करने वाले, तो सुबह सुबह इतना कुछ नहीं करेंगे, सबको लेंगे नहीं, Q&A के टाइम ही लेने वाले सबको। मस्त क्वेश्चन लाया मैं, आज भी मेरा सपना अधूरा रह गया Q&A का। तो आपका सपना पूरा हो गया ब्रो? नहीं नहीं, Q&A नहीं हुआ, Q&A मेरा अधूरा रह गया, अभी कल ही करेंगे। लेक्चर हो रहे थे, कुछ नहीं हुआ था भैया, कुछ नहीं हो रहा था। हाय 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 हाय, भाग के आ गए 4:09 का ट्रेन, भाग के आ गए। हालत देखो बंदे की, भीग चुका है ये देखो, दूसरा भीग चुका है। ऐसे पानी दिख रहा है, चमक रहा है पानी, इसके भी मुँह के ऊपर है, देख कैसे पसीना नीचे आ रहा है, दिख रहा है। ये देखो, ये ब्लॉग नहीं चालू किया अब तक, ये बोल रहा है मेरा सपना अधूरा रहेगा, बस Q&A लेने का था आज, रह गया आज Q&A, रह गया। ट्रेन है मस्त जा रही है, अब हमको भी घर पे जाने का, तभी अब बाहर जाएंगे कहीं पे, तभी होएगा सब काम, अभी नहीं तो ब्लॉग अपना पेंडिंग ना रह जाए। घर पे तो आ गए, अभी शाम के बज रहे ऑलमोस्ट, देखो कितने बज रहे, 7 बज रहे, एक्सैक्ट 7:06 हो रहे। एंड अभी एक काम अपना इम्पॉर्टेंटली एक काम अपने को करना है, वो है डीमार्ट जाने का। डीमार्ट जाके कुछ सामान लेके आना है, क्योंकि मम्मी हमारे पीछे लगे हुए 4-5 दिन से, अभी गालियाँ मिलेंगी अगर नहीं गए तो। क्षितिज भैया और हम दोनों जन निकलने, क्षितिज भैया को हमने रुका के रखा हुआ है, नहीं तो ये घर निकल जाता बाहर, इसको रुका के रखा है, हम लोग निकलने वाले हैं डीमार्ट को, जाके देखते हैं क्या क्या सामान लेके आना है और हमको क्या चाहिए एक्स्ट्रा का, वो भी देख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन इज आवर फेवरेट वन, उधर देखेंगे क्या एक्स्ट्रा का मिलता है वो। 7 बजे निकलने वाला था, 7:40 हो गया, निकलते हैं, बाइक रेडी अपनी और जल्दी ऊपर नहीं डीमार्ट को पहुँचते हैं। चलो वी हैव रीच्ड और अभी जा रहे हैं अंदर। बड़ा आइडिया हो गया यार, सामान तो ले लिया हम लोग का, बट क्या प्रॉब्लम है इसमें वाले में, अबे ना बारिश चालू हो गया, थोड़ा थोड़ा हल्का बारिश चालू हो गया। गाड़ी अभी टू व्हीलर है, शायद बंद हो रहा है अभी, हल्का बारिश है। गाड़ी तो लेके आए हम लोग, बट टू व्हीलर पे हम लोग बैठने के बाद है ना बारिश नहीं आना चाहिए, बस इतना ही। पूरा इधर उधर कर दिया डीमार्ट वाले ने इधर का सामान, मैं आपको बताता हूँ। चलो पहले घर पर पहुँचना इम्पोर्टेंट है। ओके, घर पर आ गए और घर पर आने के बाद इधर ऊपर आ गया, खाना पीना किए और फिर सोचे कि चलो अभी ऊपर आते हैं, हमारा रूम के ऊपर ज़रा ध्यान देते हैं क्या सही है क्या नहीं, सब कुछ बंद है चालू है सब कुछ देखने के लिए ऊपर आए। बाय द वे डीमार्ट का सीन ऐसे थे कि डीमार्ट के जो चीज़ें हैं ना, डीमार्ट में जो चीज़ें वो जगह पे थी ना इतने सालों से, वो इधर उधर इलाके एकदम मिसप्लेस कर दिए, हमको बहुत तकलीफ हुई आज डीमार्ट वाला कर देखे, बहुत तकलीफ हुई। बट वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, ताकि आप इधर उधर घूमें और आपका ध्यान इधर उधर जाए और आप कुछ ना कुछ नया खरीद ले, ऐसा एक स्ट्रेटेजी होता है, वो हर कोई यूज करता है, कोई भी आप कोई भी मार्ट में जाओ सब में वही होता है। एंड सीन ऐसे हो रहा है भैया, 4-5 दिन से जो गर्मी हो रही है ना मुंबई में, वो वाट लगाने वाली गर्मी चल रही है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ ऐसी वाली गर्मी चल रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कि एसी का यूज कर ले, एसी का यूज कर ले, बट क्या हो रहा है इधर ऊपर रहने का एसी तो उधर यूज नहीं कर रहे, थोड़ा बचत कर रहे बिजली का, ताकि उसी पैसे से एसी लिया जाए और दूसरी एसी लगाया जाए, ऐसे वाला चल रहा है प्लानिंग। वैसे तो बहुत गर्मी, बट बहुत गर्मी है, सहन नहीं हो रही ऐसी गर्मी हो, क्योंकि आप देख सकते हो हर रोज, अभी तीसरा दिन है, तीसरे दिन में मैंने
तीन बार मतलब कपड़े बदल के हो जाते हैं, मतलब सुबह दोपहर और शाम ऐसे वाले सीन चल रहे हैं। क्लियर गोल तो उद्या झाला आहे सगळं म्हणजे फंक्शनिंग कसं होणार त्याला शॉर्ट बात करता इसके ऊपर बात क्या आपको लगता रहेगा ये क्या चल रहा है ये एंजॉयमेंट चल रहा है आपको लगता रहेगा ये क्या चल रहा है ये एंजॉयमेंट चल रहा है ओमकार भाई का और हमारा क्यों शॉर्ट्स में मत क्यों नहीं दिखेगा भाई शॉर्ट्स में अगर दिखा तो रिफ्लेक्शन में बाय मिस्टेक अगर दिखा तो नहीं, अभी नहीं, नहीं इतना कुछ दिख नहीं रहा हम दोनों का एकदम मस्त चिल वाला चल रहा काम बट उमकर भाई के कॉलेज का सीन चल रहा है कॉलेज का इवेंट है गाइस मेरा बीजीएमआई का आओ करके हाँ जब तक तन्मय का वीडियो जाएगा तब तक सीन चल रहा है कुछ तो उसका जो इवेंट मैनेजर है कौन है किसका क्या कुछ तो गोल वगैरह बात कर रहा था है कुछ तो प्रॉब्लम हो गया बट अपना एचओपी है ये हेड ऑफ दी करेंगे सॉल्व इसके लिए तो पोस्ट लिया होगा इसलिए तो पोस्ट लिया है ये नहीं जमा तो क्या जमा ये पोस्ट के लिए ये बंदे तो कर लेगा वैसे बट चिल एंड चॉल चल रहा है यूट्यूब वीडियो का मजा लिया जा रहा है सॉन्ग्स लगाया जा रहे और वैसे तो अभी तो टाइम कितना हो रहा है ओमकर भाई 10:20 इन दी नाइट आज जल्दी खाना वगैरह हो गया उसके वजह से कुछ अलग नहीं लग रहा है थोड़ा और जल्दी होता है खाना बट ये भी ठीक है अभी सोने का टाइम हो जाएगा वैसे तो हम दोनों का भी बहुत जल्दी सोते हैं हम लोग को इसमें है ना पहले से आदत है जल्दी सोने वाला तो उसके वजह से मजा आता है नींद खत्म नहीं होती है नींद पूरी हो जाती है नींद पूरी हो जाएगी ना तो सब कुछ आगे का एकदम मस्त मोला हो जाता है चलो बस है क्या ये मुंबई का लग रहा है ना रिक्शा का कलर हाँ रिक्शा का कलर वैसे दिख रहा है साक्षात टर्मिनेटर आ गया है नया टर्मिनेटर आ गया है वैद भाई उमकर भाई के कॉलेज का थोड़ा चल रहा है परमिशन वगैरह लेने का काम फंक्शन का वो काम अभी ये बैठ के बंदा इधर करेगा ऐसे लग रहा है मेरे को इधर हवा भी अच्छा आ रहा है मतलब नीचे रूम है ना वहाँ पर बहुत गर्म हो रहा है इधर थोड़ा सा हवा आ रहा है जैसे ही इधर बेड डलेगा हम नहीं नीचे आने वाले इधर ही सोएंगे सुबह उठेंगे नहाएंगे धोएंगे और निकल जाएंगे कॉलेज को ऐसे सोच रहा हूँ मैं बट घर वाले इतना खुले में छोड़ेंगे नहीं ऐसे लगता नहीं है मेरे को ओमकर भाई को पता है ये सब फेक रियलिटी बस हाँ फेक है सब कुछ चलो ठीक है मेरा आज भी Q&A सेशन रहेगा लेने का सपना तो अधूरा रहेगा भैया मेरा कल करूंगा क्योंकि ये जो हम लोग के लेक्चर लेने को आते हैं ना उनके वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे Q&A सेशन में मैं चालू किया ब्लॉग फिर एक टीचर आ गई उसके बाद लगातार टीचर ने ले लिया सब ठीक है अगले कल देखेंगे Q&A सेशन बैड न्यूज है कि आज मेरा सुबह रिजल्ट लगा और ये आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा कि मेरा रिजल्ट क्या था अरे बाप रे ओमकर भाई कंटेंट क्रिएटर सस्पेंस बनाया भाई ने सस्पेंस चलो मैं निकलता हूँ और मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में नए जिसके साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग नहीं तो लाइक करना मत भूलना शेयर करना मत भूलना एंड जाके हमारे पुराने वाले ब्लॉग्स देखो बड़े मजेदार है तब तक हम निकलते हैं थोड़ा सा आराम करते हैं यहाँ पर बैठे मजा लेते हैं बाहर सीनिक ब्यूटी का और यहाँ पर भी है वैसे थोड़ा लाइट बंद करने के बाद अच्छा लगता है चलो मैं निकलता हूँ और मिलता हूँ डायरेक्ट कल बाय बाय